राम राम भाई, सारे भाइयों ने ये जा रहे थे भीतर। मैं चाहता हूँ कि सभी भाइयों को, जितने भाई बहन खड़े हैं, इन सब की मतलब एक संतुष्टि हो जाए। ना कोई ना, चेयरमैन साहब तो फिट का है भाई, बताओगे भीतर के बातचीत हुई। चेयरमैन साहब ठीक है भाई, कौन और कौन जा रहा था भाई? अभी चेयरमैन साहब छोड़ी नहीं गई, एक कोई सी उन्होंने अलाउड नहीं किया अभी। अच्छा, दो जने आ सकते हैं। पहले जब हम गए थे तो 6 जने गए थे, 2 लड़कियां और 4 लड़के। ठीक, उसके बाद अब चेयरमैन साहब से मिलने की हमने रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने मना कर दिया था क्लियर। फिर वो हम बोले जी दूर दूर से आए हैं, हमारे सवाल है, चेयरमैन साहब से मिलना हमारा मकसद है, या सेक्रेटरी साहब से मिलवा दो आप। ठीक है, तो उन्होंने हमें अभी टाइम दिया है, बोले 2 बंदे आ जाना, तो हम 2 जने गए थे अंदर चेयरमैन साहब से। अच्छा, यो भाई अपना भी हो गया कॉन्स्टेबल का भाई। मैं तो भाई आने पर सारा बर्दा कर भाई, हमने तो डांट रखा है ना, इतने को गोली खाई बड़े पाते यार। ठीक है, चलो तो अभी चेयरमैन साहब से जाके हमने पहले सवाल पूछा था, तो जाते ही ना वो थोड़े से मतलब गुस्से में हो रखे थे भी, चेयरमैन साहब कह रहे थे भी हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और दूसरी बात कि आपने सीएम साहब से कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया, लेकिन सारा काम लीगली चल रहा है हमारा, फिर भी हमने कोशिश की भी चलो आपका रिजल्ट दे दिया, जो सही तरीका था उसके हिसाब से रिजल्ट दिया, रिजल्ट दिया, उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा। लेकिन कुछ कारण से अभी ये मामला थोड़ा सा रुका हुआ है, इसमें मान लो कुछ भी जज ऐसे कह देगा कि मेरे पूछे बिना आपने रिजल्ट दे दिया, ये भी अपने आप में एक ईगो होगी अगले की भी, अगला ऐसे कह रहा है भी मेरे पूछे बिना कैसे दे दिया, तो ये हमें नीचे देखना पड़ रहा है थोड़ा सा। लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अब ये मामला जल्दी से ख़त्म करेंगे, और कई हमने कहा था जी ऐसे कह रहे हैं भी भर्ती कैंसिल होगी, इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने कहा भी मैं 100% गारंटी देता हूँ, ना भर्ती कैंसिल होगी ना रिजल्ट रिवाइज होगा, जो रिजल्ट दिया ना इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ेंगे हम, लेकिन ये रिजल्ट नहीं लेगा तुम्हारा, ये बात गारंटी है। लेकिन वो गुस्सा इसलिए हो रहे थे कि कई अपोजिट वाले बच्चे होते हैं जैसे हर एक चीज़ में होते ही हैं, तो वो थोड़ा सा उपद्रव फैला रहे हैं, उसकी वजह से हम मतलब सिलेक्टेड वाले जो भी है बदनाम हो जाते हैं, तो वो सब स्टार्टिंग में गुस्सा थे। फिर उनको हमने बताया आराम से कि इसलिए हम तो रिक्वेस्ट करने आए हैं सर, ये पूछने आए हैं कि एचएसएससी टाइम क्यों मांग रही है। फिर उन्होंने हमें सारी बात बताई थी कि 17 अगस्त से पहले पहले हम रिप्लाई दायर कर देंगे, और जो भी रिप्लाई है वो कल परसों में तैयार कर देंगे, और तैयार करने के बाद 2 दिन में वहाँ दे आएंगे, तो रिप्लाई वहाँ पहले पहुँच जाएगा, उसके बाद उस पर बहस होगी जो भी है। अब इन्होंने कहा जैसे पहले जो डाटा मांगा था ना 50 बच्चों का, और वो हम सारा दे रहे हैं टाइम टू टाइम, लेकिन अब की बार नहीं दे पाए क्योंकि इसमें हमने चेंजमेंट किया है, इन्होंने 10-10 बच्चों का डाटा मांगा। वो तो बात मान लो उनने पहले बता दी थी, चेयरमैन साहब थे, चेयरमैन साहब ने कही है, बिठाई करवानी थी भाई, चेयरमैन साहब ने कहा है। ज्वाइनिंग को लेकर क्या बोले? बात तो वही थी, ज्वाइनिंग को लेकर बोले हैं वो कि हम ज्वाइनिंग तो बाद में करवाएंगे आप कोर्ट के, क्योंकि हम ऐसा कोई स्टेप नहीं ले सकते जिससे आगे भविष्य में कोई, वो एक ही होगी अगस्त ताई, अगस्त के लास्ट ताई ना, वो उन्होंने बोला कि कोर्ट से जो मामला ख़त्म करवा के फिर ज्वाइनिंग करवाएंगे, ताकि किसी बच्चे को कल को कोई दिक्कत ना आए। यार नहीं होता फिर वो बड़काली जो बड़ कह रहे हैं कि इलेक्शन आगे बाबत ये जब मारेंगे, इलेक्शन आगे नहीं, इन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि आप ऐसे करो 2-3 दिन में हम रिप्लाई दे देंगे, 2-3 दिन में रिप्लाई देने के बाद ये हम कोर्ट में बहस नहीं कर सकते उस टाइम, ये समझाना कोर्ट में बस की बात नहीं थी उनको, पहले जिन्हें देखो ये जो डाटा जाएगा ना 100-200 बच्चों का, ये सील बंद जाएगा और वो जज साहब ही देख सकते हैं, तो जज साहब को वो वहीं बैठ के समझाएंगे, पहले समझाने के बाद वहाँ तो कोर्ट में फैसला होगा। ठीक है ना, एक मिनट पूछो भाई। चलो भाई एक जो रिजल्ट के ऊपर हमने बात करी थी, हम यूँ बोला कि ये स्टे क्यों लगी, यूँ बोला तुमने लगवाई, सिद्ध हमारे से ये बोले कि तुम लोगों ने लगवाई स्टे, ये जब हमारा लट दे दे के, तो हम यूँ बोला कि बार बार कि ये रिजल्ट निकाल दो, रिजल्ट निकाल दो, रिजल्ट निकाल दो, हम सारी कैलकुलेशन कर रहे थे, बिल्कुल फेयर काम कर रहे थे, लेकिन हमने जल्दी जल्दी दिलाया तो इसके ऊपर ही ऑब्जेक्शन आ गया, इस वजह से स्टे लग गई, अदरवाइज ये भी नहीं आती। और भाई फिर मैं यूँ खुला बोला, मैं बोला साहब ये बताओ इसको आप लॉलीपॉप तो नहीं दे रहे हो हमें, मैं सिद्ध ये बात बोला, तो उन्होंने एक ही बात कही, यूँ बोला भाई 100% लिख के देता हूँ कि न तो रिजल्ट रिवाइज होगा और न ही भर्ती कैंसिल होगी, और जो गदर मचाने वाले लोग हैं वो मैं उनके कानों में निकाला है मुझे, वो हमारे में से एक भी नहीं है, वो कोई ना कोई अनसिलेक्टेड है, अनसिलेक्टेड भी 2 टाइप के, मैं एक बार पहले वीड़ियो में बताया था भाई, एक तो सच में दुख पाया रहा है और एक बिना ही बात कर रहा है कि मैं तो है नहीं, होना ही कभी नहीं देवा। उन भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा भाई, और बहुत ज़्यादा भर्तियाँ निकल रही हैं, उनकी तैयारी करो, ना अपना दिमाग ख़राब करो ना हमारा करो भाई। परवीन भाई बोल रहे हो, तो अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज जो पंचकूला मिले हैं ना, इससे हमारी बहुत सारे डाउट क्लियर होगी, बहुत सारी, इसके आगे हमें क्या स्टेप लेना है वो हम कल परसों तक आपको बता देंगे, और अपना एक ग्रुप है सर कॉन्स्टेबल भर्ती 22, उस ग्रुप में सारे बच्चे ऐड हो जाना सिलेक्टेड है जो, उसका लिंक वीडियो में मिल जाएगा आपको, इस वीडियो में, और उसी में आ जाना। अभी हम
आज चेयरमैन साहब से बात करके एक प्लान हमारे मन में आया है, उन्होंने भी कुछ मतलब ऐसे मान लो हमें हिंट दिया है, जो भी है वो प्लान हम कल आपको बता देंगे आगे जो वीडियो बनाएंगे। पहले हम सारा डिस्कस करते हैं, 50 जो बच्चे हैं ना हमारे जानकार जानकार ग्रुप में, जो एडमिन लगा लो कैसे भी है, सारे आपस में डिस्कस करके वो प्लान करेंगे और उससे हमारा काम पूरा फाइनल हो जाएगा। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है यार, ये समझा ये प्लान कितना गया बीच में। प्लान भाई साहब ये है कि आगे का जो क्या करना, कई बच्चे पता है क्या करते हैं, अब विपक्ष की पार्टी में भाग जाएंगे, वो कहेंगे भी वहाँ यार ये मतलब तुम क्या कर रहे हो यार, गुट ये चीज का क्या मतलब बना है यार, ये बात ये तुम बात जो भर्तीयाड़ी करो ना यार, ये क्या प्लान बनेंगे यार, फिर आगे बताएंगे हम। मैं बता रहा हूँ मेरी बात सुनो, प्लान ये बनेगा कि जैसे कई है ना विपक्ष की पार्टी में जाएंगे उनको साथ लेके फिर रोड पे उतरेंगे, ये चीज करनी नहीं है भाई यार, ये बात सही नहीं है यार। भाई आप यूँ बताओ, रुको कोई बात नहीं, भाई ने बोल दी कोई बात, इसको कहने नहीं आई, मैं बताता हूँ भाई, छोटा भाई एक बात बताओ, 100% श्योर हो सारा सिलेक्टेड ही ये आड़ आ रहे हैं जो, हाँ ये कुछ तो सिलेक्टेड है कुछ उनके गेल आ रहे हैं। नहीं भाई 1% अगर होया मान लीजिए कि है भाई कुछ है भाई, देखो यार ये चीज में कोई साथ है, कोई गुटबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई प्लान नहीं, मैं बताता हूँ जो बात होगी सीधी चैनल पर आके कहूँ भाई। और अब बता दूँ फिलहाल की जो रिसेंटली और करेंटली बात है ना, केवल यही है, कोई ये नहीं है कि हमारे अंदर कोई और दूसरी बात रह गई हो, ये है भाई कि ज्वाइनिंग अति शीघ्र होने वाली है, आपको बता देता हूँ मैं, जो छोटा मोटा रिप्लाई है वो क्लियर होने वाला है। छोटा कुछ कहना चाहो, ये बात तुमने मान लो ये बता दी, बढ़िया बात है कि जल्दी कार्रवाई कर रहे हैं यार भाई, सारे डाउट क्लियर कर रहे हैं, ये मतलब बीच में नूं तो मत कहो यार कि 4 दिन बाद और प्लान बढ़ेगी, फिर और जरूरत पड़ी तो उन्हें प्लान नहीं बना, आगे प्लान नहीं बनेगा, उस आगे हम काम नहीं करा, हम ना अड़ान के कोई रुपये दे रहे हैं, तुम कोई और बालक दे रहे हैं, जितने बालक आ रहे हैं उनको और दे रहे हैं ना, मतलब सारे नु सोचे हैं यार, तो प्लेन भी कुछ चीज कॉन्फिडेंशियल हुआ यार, यू नाम तक बीच में रुक के मारना क्या रोड पे भाई, यार 17 तारीख को दो चीज हुआ यार, सारे भाई बीच में क्या कुछ वो हमें अनसेलेक्टेड कैंडिडेट रजिस्टर आई है, अनसेलेक्टेड कैंडिडेट 17 तारीख को जो एक के करके बोल लो यार, जिस तरह अनसेलेक्टेड कैंडिडेट है वो आगे रोड के ऊपर धरना प्रदर्शन करें किसी पार्टी का, जिस तरह वो पार्टी आए नहीं आए बोले हमें न्यू हार उसके यहाँ फलाने पार्टी का, हमें तारा सपोर्ट कराएंगे 8 तारीख ने विधानसभा में उठाओ, ये बात नहीं इस तरह आके और वो गदर मचाओगे तो नाम किसका होगा, सिलेक्टेड कैंडिडेट का रिजल्ट डिले तो करवा लिया हमने, इसलिए रिजल्ट डिले हुआ था इसी बात से भाई, इसी गलती की वजह से सीएम का पुतला फूंक के भाई, सीएम का पुतला फूंक के बन जाओगे इंस्पेक्टर भाई, या बता दो यार किस वजह से भूको है सीएम का पुतला, ये अलग ला रखे हो नहीं, दूसरी बात इस टाइप की कोई हरकत नहीं करनी, मेरे का मतलब ये है हमारा इस टाइप की कोई हरकत नहीं करनी भैया, कोई हरकत नहीं करेगा भाई किसी भी तरह, और यही प्लान है और कुछ प्लान नहीं है, जो आप प्लान की बात कर रहे हो बोटे भाई उसमें ये होता है कि हमारा ग्रुप बना हुआ है, अगर और भी कोई रिप्लाई करना पड़े हमारा ग्रुप बना हुआ है ना, एक के करके बोलना पड़ जाए भाई, हां सही बात है, एक मिनट जो आज बच्चे यहां इकट्ठे हुए हैं ये प्लान कहां बना था, ग्रुप में बना था, हां बिल्कुल, पहले किसी को नहीं पता था, अब आगे पता निकल को क्या बन जाए, तो वो चीज अभी कैसे बता नाम का या चीज सही होगी, मान लो ये क्या लग रही है भाई, कर मेरी बात सुन लो, जो अंदर बात हुई है वो फाइनल बात करता हूँ, ठीक है ना, 4-5 पॉइंट है, पहला पॉइंट तो अर्जेंट हियरिंग का हमने बोल दिया, वो बोले हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपकी बार, अभी 3-4 दिन में रिप्लाई दायर कर देंगे, जो मांगा ना 17 तारीख को उससे पहले पहले करके उनको समझाएंगे ताकि 17 तारीख को फैसला हो जाए, पहली बात तो यह। दूसरी बात कि इक्वी परसेंटाइल में एक्स्ट्रा नंबर वगैरह जोड़ रखे हैं, ये बोले हमारे पास खुद के पास प्रूफ पड़ा है और एजेंसी का बंदा आएगा वो भी क्लियर करवाएगा सारा, आई जी साहब को कह के जज साहब तक बात जाएगी। तीसरा पॉइंट ये था कि लड़कियों में बाद में नॉर्मलाइजेशन का नोटिस दिया था, ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन इसमें मैं बता दूं चेयरमैन साहब ने ये कहा है कि ये बाद में बना हुआ है, लेकिन ये इतना बाद में नहीं बना कि मतलब रिजल्ट भी आ गया, सारा काम हो गया, और उससे फर्क क्या पड़ जाएगा, ये पेपर होते ही हो गया था, और उससे फर्क क्या पड़ जाता अगर हम 4 दिन पहले बता देते, तो मतलब ऐसे कह देते थे कि लड़कियों के पेपर में नॉर्मलाइजेशन होगा, इतना ही कह देते 1 दिन पहले, तो क्या कर लेते आप, आपके रिजल्ट में आपकी पढ़ाई में कुछ चेंज मिल रहा था, मैं कह ठीक है सर इस बात से आपकी संतुष्ट है, नहीं आ जाता, तो उन्होंने कहा है कि जो आंसर की आती है ना उससे पहले पहले हमने नोटिस दे दिया था ताकि किसी बच्चे को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो अपना लगा के उसके बाद हम रिजल्ट दें, तो इसमें किसी को ये ना लगे कि मेरा रिजल्ट बाद में आया पहले आया, क्योंकि हमें किसी को नहीं पता कौन सेलेक्ट होगा कौन नहीं होगा। और तीसरी बात ये थी एजी साहब को भेजने की, तो उन्होंने कहा कि हम एजी साहब को ये फार्मूला समझाएंगे और वो जाके जज साहिबा को समझाएंगे, अगर फिर भी उनसे नहीं बात बनी तो हमारे एक दो लीगल एडवाइज़र हैं ये जाएंगे और ये समझा के वो सारा मामला थारा निपटा देंगे। 17 तारीख को एजी साहब जाएंगे वहाँ, 17 तारीख को उन्होंने कहा है कि हम एजी साहब को 17 से पहले भेजेंगे, 17 से पहले भेजेंगे और जाके उनको सारा समझा के ताकि 17 को तो फैसला ही हो जाए, लेकिन अभी एक थोड़ा सा नू बोल रहे हैं अभी जज साहिबा की खुद की वो बन गया ना बिना पूछे रिजल्ट दे दिया, तो वो अपने हिसाब से काम चलो, तो इस चीज़ में टाइम लग रहा है। और सवाल पूछो, ठीक है भाई, भाई 17 से पहले एक बार आके सारे कन्फर्म
पांच सात जने कंफर्म आके कर लियो कि भाई जवाब दिया भी है या नहीं, कदे 17 तारीख में सेम सीन हो जो आज तक यही तो प्लान बता रहा था ना आगे क्या करना है, आगे क्या करना है ये बता रहे थे। और कोई ये नहीं कि भाई यहां आके हम प्रोटेस्ट करेंगे, अभी एक बार बताऊं जो आज मसार यार ना था प्लान है मैंने ने मेरा था ना, ये वीडियो डेली डेली नहीं बन सकती भाई। अब मेरी बात सुनो, आज इतने यहाँ पे आए हुए हैं, अभी यहाँ पे 5-6 बंदे ऐसे आए हुए हैं जो वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, जैसे पोटा भाई, सही बात है, तो ये चीजें हमें ग्रुप में ही शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं हमें कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक बात है। ग्रुप में वो जो ग्रुप बता रहा हूँ मैं, मेरा लाइक जाएगा, आगे का जो प्लान होगा हमारा वो ऐसे तो नहीं है ना सारे यूट्यूबर आ जाएंगे उनके साथ हम बैठ के बना लेंगे, नहीं बना सकते भाई, चलो एक दो जना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सारे जो ग्रुप मेड हो जाओगे तो वहाँ सारी बात बता देंगे आगे प्लान क्या बनेगा, मतलब ट्विटर कैंपेन होगा क्या नहीं, बाकी ये इस तरह की बातें सारी ग्रुप में बता देंगे, आप ग्रुप में जुड़ियो भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज देंगे भाई जो ग्रुप बता रहा है, ठीक है, किसी चीज की जरूरत होगी ना वो बता दी जाओगी, ट्विटर कैंपेन की जरूरत पड़ी तो ट्विटर कैंपेन का सर ने अगस्त में बोला या सितंबर का, ये बता देंगे, अरे भेड़े आड़े हैं, ज्वाइनिंग का अगस्त में बोला या सितंबर में, ज्वाइनिंग का ये है, इन्होंने कहा है कि हम ये चाहते हैं कि जो भी कोर्ट में प्रोसेस चल रहा है उसको जड़ से खत्म कर, हाँ, ताकि आगे दिक्कत ना हो, 100% हो जाए भर्ती, ज्वाइन हो गया लेकिन कल कोर्ट रहा है, हाँ डर डर ना होना चाहिए, सही बात है, किसी का मान ले आ जाए भाई तो क्या नहीं देना, डायरेक्ट आ जाए मान ले खा ले किसी भाई, सही बात है, मेडिकल ऐसे पहले नहीं करवा सकते ना ये प्रोसेस, ये बोले हम पहले कोर्ट से मामला खत्म करने का प्रोपेगेंडा बना लिया, वो भाई डिपार्टमेंट का काम है, वैसे भी मेडिकल करवाना है ना, क्या है कि डिपार्टमेंट का काम रहता है, ये पहले ये अपनी तरफ से क्लियरिफिकेशन देके भेजेंगे ना, उसके बाद मेडिकल का काम, किसी और भाई का नेगेटिव हो रहा थोड़ा बहुत बता दो, चलो भाई बढ़िया जानकारी दे दी, ये कई दिन से कह रहे हैं आपको चेयरमैन साहब, तो फिट का भाई अडॉप्ट किया आपकी बार, तो इसके लिए कहाँ से रेफरेंस आया, और दूसरी बात कुछ जेन्युइन पॉइंट आंसर लेटर, हम ये नहीं कहते कोई सभी गलती बोलते हैं, सेम सेट सेम सीट भाई, जो क्वेश्चन 0.5 का 0.3 का, मैं भी खुद इसको देख चुका हूँ, मैं सिलेक्टेड हूँ, पर मुझे पता है क्योंकि मेरे सर्कल में बंदे अलग डिफरेंस आ रहा है, तो उसका क्या पॉइंट है, ये चीज़ आप कह रहे हो ना कि किसी के इतने बट गए किसी के इतने बट गए, ये सवाल हमने कराया था वहाँ पे, लेकिन उन्होंने पता क्या बोला कि जो बंदा ये कह रहा ना कि इसके 10 बट गए मेरे 5 बट गए, तो उस बंदे से ये पूछो कि इस चीज का कितने बढ़ने चाहिए थे, ये बता दो, नहीं सर उसकी बात ये सर की बढ़ने हो तो एक मैथमेटिक इक्वेशन है, हाँ। वो तो सेम वैल्यू देगी, कोई और नहीं कि किसी सेट में अलग देगी किसी में अलग देगी, वो तो वो मैथमेटिक इक्वेशन लगा दी उसने दे दिया, तो सेम सेट में अलग अलग क्वेश्चन पॉइंट, ये नहीं कि मैं ज्यादा फर्क कुछ कह रहे हैं कि 1.5 का या 2 का, ये कुछ नहीं है, कुछ 0.5 का 0.3 का फर्क है, कुछ इसके तरह में एक रेफरेंस भी दिया गया था किसी भाई के द्वारा, तो आर्टिकल भी देखा गई, टफनेस ऑफ क्वेश्चन के ऊपर फर्क आता है, रैंक का फर्क पड़ता है 1% में, और दूसरी बात हम पिछली बार परसेंटाइल में आए हुए थे, कुछ भाई होंगे भी यहाँ से जो पिछली बार परसेंटाइल के उसमें आए थे, तो सबने पता था कितना गलत था, जब बोर्ड ने ये कहा था कि हमें भी पता है भाई फॉर्मूला गलत है, पर हम ऐसे नहीं लगा सकते जब तक हम किसी गवर्नमेंट बोर्ड देखें, जैसे आईएसआई कोलकाता का पिछली बार उस पिछले महीने उस महीने 2-3 महीने यह चला गया, आईएसआई कोलकाता ने लिख के दिया है, ये फॉर्मूला लिख के दिया, ये चीज आप कह रहे हो ना इतने नंबर बढ़ गए कम बढ़ गए, सेम सेट के बढ़ गए, ये बात है सेम सेट के हिसाब से देखो, ये भाई उसमें ये भी देख रहे हैं ना भी कितने बच्चे परसेंट है कितने हो रहा है, सब कुछ सेम है उसमें रेफरेंस, इसी चीज को इसी टाइम नहीं भाई वो मार्केट है फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट भी तो है, बाय डिफॉल्ट एक ही आदमी का था इंडिया में बड़ा है, जो बंदे रिप्रेजेंट करने रहे कोई ऑथेंटिक चीज भी कुछ होना जाएगा, पिछली बार हम पूछे थे तो बोर्ड कह रहा था अभी परसेंटाइल हम किसी गवर्नमेंट बॉडी की रेफरेंस से अडॉप्ट कराएंगे, और अगली बार भी हम एजेंसी की तरफ से अडॉप्ट कराएंगे, इस तरह से ना बच्चों को विश्वास भी टूटता जा रहा है ना, जैसे 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 चीज जो रही है, ये जो कह रहे हैं ना सेम शिफ्ट के नंबर है, इसी चीज को तो खत्म करने के लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सबके डाउट क्लियर करें, जब भी 100 बार 58 10
की जगह किसी भी जगह 100 और एक समझ गया, तीन तीन तरीके से तैयार कर रहे हैं, एक शिफ्ट को बेस मान लिया, दूसरी को मान लिया, तीसरी को मान लिया, किसी भी बालक कानून आ रहा है, किसी का कानून आ रहा है। ये चीज कैसे हो रहा है, जैसे इस भाई ने बता दिया नंबर कम ज्यादा बढ़ गए, सेम सेट में थे, तो ये सारे डाउट क्लियर करने के लिए इतना लेट कर रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, सब बढ़िया होगा, बता दे लागे सारे काम बढ़िया। अपना ग्रुप में भेज दियो सारा। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ओके, राम राम भाई, राम राम। ये नजारा भाई, ये बालक आ रहे सारे भाई आ रहे। ठीक है भाई, ये कॉन्स्टेबल सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है सारे भाई। थैंक यू बटे। अरे ठीक है, ठीक है, ये भाई भाई रहे हैं बस, फिट है मामला। ओके 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 ओके, ठीक है, ठीक है भाई। ना 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 सारी गए ना रे, नहीं नहीं तो भाई ये लठवाज गए रे, बस बस। अच्छा चलो, राम राम, बने रहो।